वक्त के साथ साथ लोगों के इरादे बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है। जहाँ अकेलापन लगता है वहीं कुछ करने का मन करता है। जब पैसा जेब में ना हो तो मन भटके इधर उधर। किसी ने सही कहा है, पैसों के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन यहाँ हद ही पार हो गई है। किसी की खुशी, किसी की सुख चैन नींद सब छीन लिया जाता है पैसों के लिए। आओ चलो देखते हैं। और मोहित भाई मंटी मंटी। हाँ बोल, काहे बुलाया? मुँह काहे खड़े हो? मुँह आप, चलो मैं साथ चलो। अबे कुछ बता तो, कहाँ ले जा रहा है? तो तुम चलो हमारे साथ चलो। अब बताओ हमें इतनी दूर काहे लिए लाए? फिर रहो बस, तुम देख लो कौन आई तो नहीं रहा है। ये देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो। हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बे। अनपढ़ गवारी रहोगे? इसमें बटा का लिखा है? बाहर बाहर के देशों ने ना हमको मेल किया है, तुमको किडनी की जरूरत है। उसमें यह है कि एक किडनी 20 लाख की लेंगे, हमको 3 किडनी चाहिए तो हमको 60 लाख हो जाएगा, समझो? 60 लाख रुपए? हाँ 60 लाख। जेमा से 20 लाख के हम अपना कर्जा चुका ही देंगे और 40 लाख बचा, 10 लाख रुपया घर में डाल के बाहर चल जाएंगे कमाने के लिए। कुछ भी करेंगे वहीं पर ऐश करेंगे, सोचो कितना फ़ायदा है। और ये मेल कहाँ से आया, किडनी किसकी चाहिए बे? मेल हमारा बाहर से आया, बहुत बाहर बाहर देशों से, से जो हो गए उनमें से आया है। कम से कम 10 साल के बच्चा लोगों का किडनी चाहिए। लेकिन बच्चे लोगों को पकड़ेंगे कैसे बे? आजकल के माँ बाप बहुत लापरवाह हो रहे हैं, अपने बच्चों को कहीं भी जाने देते, कहीं भी खेलने देते, कहीं भी छोड़ देते हैं, कोनो काम पकड़ा देते हैं। हम चलेंगे गाँव में और गाँव में कोनो लड़का लड़कों को ऐसे बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे और फिर उनको पकड़ के किडनी काट पाट के बाहर शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा काम। अपन बहुत आसान काम। सोचो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी अगर उनके बेटे को ऐसा हो गया तो। बकचोदी रहोगे, पैसा के लिए सब नहीं सोचा जाता है। अपना कुछ जा रहा है का, दूसरे का जो जा रहा है जाने दो बे, बच्चा तो चाहिए अपना, देख लेंगे जो होगा। 2-4 दिन रोएंगे उसके बाद खत्म बात, यादें मिल जाएंगे। इतना टेंशन लेते हो तुम, पैसा चाहिए पैसा, सोचो 60 लाख रुपया कितना होता है, 3 किडनी अपना कुछ नहीं जाएगा। अबे बच्चा लोग चिल्लाएंगे तो पकड़ने पे? उनको ना पता हो ना, हमारे पास एक धातु है, उसको सुंघाते ही बच्चा अपने काबू में, जौन हम बोलेंगे वही वो करेगा, हमारे सट्टे चलने लग जाएगा। अब बस हमको क्या करना है, गांव के अंदर जाना है, पकड़ना है। दिक्कत ना लो तुम, हम हैं तुम्हारे साथ। और हाँ, गाँव में कैसे घुसेंगे? तुम इतना ना सोचो, जाके 50 रुपया का कुछ खरीद लो, उसी को बेचने के बहाने चला जाना। अब तुम ई गाँव में जाओ, हम ई गाँव में जा रहे हैं, ठीक है? और हमको एक जगह जाना तो फोन कर देना, तो चलो चलते हैं। हेलो, इधर आ जाओ, बहुत बच्चा लोग खेल रहे हैं इधर ही, इधर से काम हो ही जाएगा। हाँ इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ अपनी साइड। हाँ ए बच्चा लोग, ये कौन है बे? अबे वो बहुत ढेर के खाए वाली चीज ले है। ये लो कुरकुरा खाई लो। चल बे वो बुलावा था कुरकुरे खाए खाए। ए ऐसे ना जा, ऐसा अनजान आदमी है। ये आदमी गांव में पहली बार आया है। तू सब ना जा, हम जाते ही जा। जा तहर मर्जी, चल बे हम सब घर चला। बताओ कौन कौन खाएगा ये कुरकुरा? वहू खाबा कुरकुरा, महू खा कुरकुरा, दोनों का मिली। लेकिन हमारे काम करेगा बड़ी। का काम करेगा भैया? हमका गांव के रास्ता नहीं पता है, हमका गांव के बाहर छोड़ दा, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो तुमको गांव से बाहर छोड़ दी, देखी चले।
इधर। हाँ। तुम लोगों को कुरकुरा चाहिए? हाँ भैया। ठीक है फिर ये ले लो कुरकुरा। अबे उधर का कर रहे हो, जल्दी आओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, यहाँ से ले चलो। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, और हाँ इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा अफवाह पे ध्यान ना दें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, ज़्यादा इधर उधर ना जाने दें।